हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है ये है रेल संबंधित प्रश्नों पर आधारित क्लास है दोस्तों। इसमें मैं आपको रेल के से संबंधित जितने भी सवाल है वो करवाऊंगा। कल मैंने आपको, ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है, दूसरा चैप्टर है। कल का जो चैप्टर था हमारा रेल संबंधित प्रश्नों का, वो पहला पार्ट था। वो वाला पार्ट नहीं देखा मैंने, उसमें आपको बेसिक समझाया। वो अगर नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर क्लिक करके जाकर देख लेना, उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया है। यहाँ पर क्या है, हमने कल क्वेश्चन किए थे, आज आगे के क्वेश्चन करेंगे, और तो टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन कर दे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूँ उनके आप मुझे आंसर कमेंट करके जरूर बताया करें। उससे क्या रहता है, आपका कैलकुलेशन बढ़ता है। आप देखो, यहाँ पर मैं आपको कितना ही सिखा दूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और अब तो होली वगैरह भी चली गई है, तो अब अच्छे से तैयारी में लग जाओ। अभी 4-5 दिन आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ाई ब्रेक कर दी थी भाई। जब मैं आपको पढ़ाना बंद नहीं कर रहा हूं, मैं डेली आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं, तो आप भी डेली पढ़ते रहो भाई। 1-2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, रेगुलरिटी बनाए रखो। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखना, देखो भाई पहला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। देखो कल के जो सवाल करवाए थे उनसे संबंध आपने आए हो, सवाल कर लिए होंगे है ना। आगे के आप सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी, ए मान लीजिए 240 मीटर की लंबाई, ठीक है। एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही बी रेलगाड़ी, मान लो 270 मीटर रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेंगे, यानी कि दोनों रेलगाड़ी आपस में कितने समय में पार करेंगे। भाई अगर इसका पूछते तो इसका भी वही टाइमिंग रहता, इसका भी वही टाइमिंग रहता। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की मिल जाएगी, दोनों की स्पीड मिल जाएगी, दोनों के जो मीटर है, जितने मीटर की ट्रेन है वो मिल जाएंगे, तो हमें टाइमिंग यहाँ पर पता चल जाएगा। हमको सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ये दोनों है, इनको क्या करना है आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो पहले तो दोनों की स्पीड जोड़ लो, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इंटू 5/18, ये 18 से उनकी 108 और 6/30, 30 मीटर पर सेकंड चलती है, 30 मीटर पर सेकंड चलती है, तो ये कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 510 मीटर को ये कितनी देर में पार कर देगी, ये कर देगी दोस्तों 17 सेकंड। 17 सेकंड में ये एक दूसरे को, देखो यहां से स्टार्ट होती है ना, ये एक ट्रेन ये मान लीजिए और एक ट्रेन मेरी कोहनी तक की ये मान लीजिए, तो ये आपस में यहां से स्टार्ट होगी, तो इसकी 270 मीटर लंबी और ये 240 मीटर, तो ये यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे 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 करके ऐसे ये इतना पार करना रहता है। एक ट्रेन ये हो गई और एक ट्रेन ये हो गई, ठीक है। ये जब आपस में मान लीजिए ये उधर जा रही, ये इधर आई, तो ये जब तक यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये भी चली वो भी चली, तो दोनों आपस में पार करती है, तो उसको कहते हैं कि ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, या फिर ए इसको पार करने में कितना समय लेगी, सबका टाइम सेम रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको इसका जो बेसिक है वो बता दिया था, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। भाई एक व्यक्ति वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रहा, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रहा, ठीक है। क्या हो रहा है, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, यह रेलगाड़ी ने कम से कम 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। भाई इसको तो 9 सेकंड में पार करती है वो, और इसको 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। हमसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई तो मान ली एक्स मीटर, और इसकी चाल मान ली हमने वाई मीटर पर सेकेंड, कितनी मान ली, वाई मीटर पर सेकेंड मान ली, या फिर आप चाहो तो इसको वाई मीटर पर सेकेंड मत मानो, वाई किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको भी एक्स किलोमीटर मान ले। किलोमीटर इसलिए माना क्योंकि इसकी चाल, इनकी चाल किलोमीटर में दी है, तो हम इसको भी किलोमीटर, भाई ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो किलोमीटर में मान लेते हैं, ठीक है, बाद में हम मीटर में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, इसको वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो इसको 9 सेकंड में पार कर देता है, तो भाई गाड़ी की लंबाई एक्स, मतलब गाड़ी खुद को ही पार कर रही, भले ही मैं ऐसे भग रहा हूँ पर यह तो खंबा ही है ना, आदमी खंबा सेम बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई भाई गाड़ी की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई माइनस दो, ठीक है, 2 किलोमीटर इसकी चाल हमने क्या कर दी, खत्म कर दी भाई, तू खड़ा रहे, ठीक है। ये हो गया कितनी देर में पार करती, 9 सेकंड में, 9 सेकंड को हमें क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 60 इंटू 60 भाग देंगे,
क्या करेंगे, भाग देंगे भाई, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं और सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देंगे 60 मिनट, ये हो गया मिनट और ये हो गया घंटे, ठीक है। ये हो गया, यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, देख लो क्या आ रहा है, 3600 इधर जाएगा तो ये कितना होगा, 3600 एक्स हो गया बराबर 9, ये होगा तो 9y माइनस का 2 18, ठीक है, या फिर यहीं से काटो 9 से ये 400 बार कट जाएगा, ठीक है, तो इतना भी मत करो, ये होगा 400x, ठीक है, और ये y माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया y का इधर, इसको उधर ले जाओ 2 यहां पर रहेगा, तो y माइनस का 400x बराबर कर दो, एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा भी x बटे y माइनस 4 होगा बराबर कर, ये 10 सेकंड में करता है 60 × 60, ठीक है, तो यहां से ये कटेगा तो 6 × 36 360 और 360 इधर आएगा तो ये क्या होगा, देखो 360x बराबर y माइनस का 4, y माइनस का 4 होगा तो 4 जो है इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, इधर देख लो, तीन वाई माइनस 360x बराबर 4, ये दो हो गए, क्या करेंगे, हमारे पास ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, हमें क्या निकालना है, गाड़ी की लंबाई निकालनी, ठीक है, तो यहां से हमें एक मान पता चल जाएगा, देख लो y माइनस 400x बराबर का 2 और y माइनस का 360x बराबर का 4, यहां से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये घटा दे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये कट जाएगा, यहां से हमारे पास कितना बचा, माइनस का 40x और यहां से हमारा बचा 2, ये कटा और x बराबर कितना आ गया, हमें 2 से कटेगा 20 बार, तो 1/20 भाई, x बराबर हमारा x किलोमीटर है तो 1/20 किलोमीटर, हमें गाड़ी की लंबाई भाई मीटर में दी हुई है ऑप्शन में, किलोमीटर में आपको 1/20 किलोमीटर नहीं दिया, तो मीटर में बदलने के लिए 1/20 और मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे तो 20 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार, तो 50 मीटर जो है भाई 50 मीटर गाड़ी की लंबाई रहेगी, देख लो ध्यान से, अभी भी समझ में नहीं आया भाई स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चाहो तो पीछे पॉज करके और पीछे आ जाओ और वहां से वापस से देखो, भाई बहुत अच्छा समझाया है, समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डिसलाइक कर, बताना क्या दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, अगला क्वेश्चन देखना कि दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, दो रेलगाड़ी है इनकी चाल जो है 3:4 के अनुपात में, चाल 3:4 के अनुपात में, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, एक ऐसे आ रही है एक उधर जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले, भाई प्रत्येक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करे, भाई 3 सेकंड ले रही है वो, 3 सेकंड ला रही है वो एक खंबे को पार करने में दोनों ही, क्योंकि इसकी चाल अलग है इसकी चाल अलग है, तो भाई ये जो है यहां से एक दूसरे को पार करेगी तो ये इसका 3 सेकंड ले रही है, ये इसका 3 सेकंड ले रही है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में भी 3 ही सेकंड ले, नहीं समझे भाई, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में यहां से यहां तक की दूरी पार कर रही, खंबा मतलब खुद को पार कर रही है तो 3 सेकंड ले रही, और एक रेलगाड़ी मान लो ये यहां से यहां तक, ठीक है, अब देख लो यहां से ये खंभा हमने बीच में कर दिया, ये रेलगाड़ी इसको पार करने में 3 सेकंड ले रही, ये रेलगाड़ी इसको पार करने में 3 सेकंड ले रही, तो टाइम तो अलग अलग नहीं हुआ ना, हमने बोला कि स्टार्ट जैसे ही बोला तो ये रेलगाड़ी यहां आ गई 3 सेकंड में और ये रेलगाड़ी यहां आ गई, तो पार इनने एक दूसरे को कर लिया और खंभे को कर लिया और यहां इसका 3 सेकंड पूरा हो गया, तो भाई ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, इनके चाल का अनुपात अलग अलग है इसलिए एक की स्पीड थोड़ी ज्यादा एक की स्पीड कम है लेकिन दोनों पार कर रही है 3 ही सेकंड, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ना कलम पेन उठाना है, अगर वो एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही है तो एक दूसरे को भी 3 ही सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में भाई याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी, भाई दो मालगाड़ी ए और बी मान लो दोनों 500 मीटर लंबी है, ठीक है, दोनों 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर 30 किलोमीटर की घंटा की चाल से जा रही धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी, भाई सिर्फ चालक को पार करवाना है, किसको पार करवाना है, चालक को पार करवाना है, तो क्या होगा, सिर्फ 500 मीटर
500 मीटर पार करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों की लंबाई नहीं जोड़ी, देखो मैं आपको बता दूं दोनों की जो चाल है वो अलग अलग है कितनी, इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या बोला है, कहाँ गया तेज गति, नहीं कहाँ गया, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। भाई धीमी गति हो या तेज गति हो, है ना, धीमी गति हो या तेज गति हो, स्पीड तो दोनों की क्या है, दोनों की जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, देखो ये 45 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा, ये 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा, भाग तो रहे हैं ये, यहां देख लो ये और ये, ठीक है, ये धीरे जा रही है, ये तेज जा रही है, ठीक है। तो सिर्फ इसको क्या करना है, इसको ये यहां, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पर चालक बैठा रहता है तो इसको पार करना है। तो ये भले ये भाग रहा और ये उधर भाग रहा है ना, स्पीड तो दोनों की प्लस होगी लेकिन इनकी जो लंबाई है वो प्लस नहीं होगी। हमसे ये नहीं बोला कि ये रेलगाड़ी का जो पहला हिस्सा है ये यहाँ आना चाहिए और लास्ट हिस्सा यहाँ आना चाहिए, नहीं, इसका सिर्फ जो है ये जो हिस्सा ये इतना यहाँ पर पार कर दिया, तो इसको कितनी दूरी पार करनी है, दोनों 500 मीटर की है तो इसको 500 मीटर की दूरी पार करनी है। तो देख लो भाई 500 मीटर की दूरी पार करने में 45 प्लस 30 है ना 40 की 70 75 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि भाग देंगे यहाँ पर 5/18 का गुणा करेंगे तो यहां से ये कटेगा कितनी बार, 3 से 25 बार और 3 से ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, 25/125/6 मीटर पर सेकंड चल रही है ये, तो यहां से 125 और इंटू 6 इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, 125 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 100 × 400 ये 6 × 24 24 सेकंड लगेंगे। देखो रेल वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका माइंड काम करना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में बोला क्या है, जो बोला है उसको तरीके से जमा लो, ठीक है, आपका जो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आ गया हमारा 24 सेकंड आंसर, है ना, यहां तक का समझ में आ गया हो आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना भाई, समझ में तो आएगा, तुम्हारा भाई है ना भाई, कल होली खेलेगी ना, कोई होली खेलेगी ना, कल रंगपंचमी थी ना भाई, सेलिब्रेशन किया कि ना भाई, तुम्हारे भाई ने तो खूब मजे किया, खूब डांस किया, मजे कर दिए भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, भाई एक रेलगाड़ी ये ए है ये बी है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो कि इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर से आ रही है इधर से जा रही है, विपरीत दिशा है, इसकी जो चाल है इसके चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये जो है ये आधी है इससे, यानी कि इसकी लंबाई एक्स मीटर हो गई और इसकी कितनी हो गई 2x मीटर हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है, ये इसे बात क्या बोल, 48 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर देती, यानी ये दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, एक दूसरे को कितने में पार करती है, 12 सेकंड में, ठीक है, 12 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, कौन सी रेलगाड़ी, ये वाली रेलगाड़ी जो इसको पार करती है, वो इसको 45 सेकंड में पार करती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है देख लो भाई, इसको 45 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनकी जो है इनकी लंबाई निकालनी है, कैसे निकालेंगे देख लो, 2x प्लस x को पार करती कितनी देर में, 40 × 80 और 8 × 2 = 10, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल लेंगे 5/18, 18 × 5 = 90, 5×5 = 25, 25 = 12 सेकंड में पार करती है, यहां पर कितना होगा 3x होगा, ठीक है, 3 से काटा 12 4 बार और तो x बराबर कितना है 25 × 100, भाई इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी है 200 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना भाई, 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो 200 मीटर है ना प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम y मान लें, है ना, y मान लेते हैं और इसकी स्पीड कितनी 48, तो 48 × 5/18 करेंगे तो 6 से कटा कितनी बार, 6 × 48 और 6 × 3 =
40/3 मीटर/सेकेंड इसकी स्पीड आ गई किसकी भाई, ये वाली ट्रेन की है ना, ये वाली ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करती है, 40/3 की स्पीड है ना, बराबर कितने देर में पार करती है, 45 सेकंड में। तीन ऊपर जाएगा, ये तीन जो है यहाँ आएगा, तीन तो तीन से इससे कटेगा 15 बार, ठीक है, और ये 15 जुग कितना हो गया, वाई बराबर 15 × 45 = 60, तो ये हो गया 600 - 200, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 400 मीटर। 400 मीटर क्या है भाई, 400 मीटर जो है वो है प्लेटफॉर्म की लंबाई, जिसको ये भाई ये जो ये ना दूसरी वाली ट्रेन, पहली वाली ट्रेन जो 200 मीटर जिसकी लंबाई वो 45 सेकंड में पार कर, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, देखो अपने हिसाब से देखो भाई, है ना, इससे अच्छा तो मैं कोई नहीं सिखाएगा गारंटी में, है ना, इससे अच्छा कोई नहीं सिखाएगा, और अगर सिखा दे तो बाकी समझ में, देखो सबको अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से दिमाग में घुसता है, जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से याद कर लो, है ना, मैं तो पहले मेरा 100% दे रहा हूँ, 100% मेरी कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिले, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको सिखलाई मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ही लो फिर इसी बात पे, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है, भाई दो स्टेशन हमने बोला तो इनने बोला तो हमने ये ए लिख लिया और ये बी लिख लिया और 220 किलोमीटर इनकी दूरी है ना, क्या बोल रहे, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है बी की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है, बी से ए की ओर आती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन ये 30 मिनट बाद आती भाई, मतलब 30 मिनट बाद चलती है वहां से, है ना, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, दोनों जो रेलगाड़ियां हैं ये ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो देख लो फर्स्ट क्या हुआ, ये तो 30 मिनट चली, तो ये 30 मिनट में कितनी देर किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, 40 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद यहां पूरी टोटल उसमें से कितना बचा, 180 किलोमीटर बचा, है ना, अब क्या हुआ, ये 80 किलोमीटर चला, ये 100 किलोमीटर चला, ये 80 किलोमीटर चला, ये 100 किलोमीटर, तो ये 100 किलोमीटर तो ये आ गया और ये 80 चला, है ना, तो ये ट्रेन जो है यहां तक पहुंची और ये ट्रेन यहां तक पहुंची, है ना, तो 80 और 40 120 किलोमीटर ए से 120 किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी, दोनों ट्रेन मिलेंगी, झक्कास हो गया बिल्कुल, इनका मिल गई है ना, टाइम पूछते तो टाइम हमारा टाइम तो नहीं दिया हुआ, वैसे आधा घंटा लेट चली और एक एक घंटे की, एक घंटा मतलब तो 1.5 घंटे में मिलेगी चलने के, अगर पहली ट्रेन का पूछते तो दूसरी ट्रेन का पूछते तो 1 घंटे बाद मिलेगी, है ना, ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी क्वेश्चन मजेदार है ना। अगला क्वेश्चन है ये वाला कराऊ, है ना, देख लो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही बी को 2 मिनट में पार कर, भाई ए जो रेलगाड़ी है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और बी को, बी की रफ्तार हमें नहीं दी, 2 मिनट में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये धीरे चल रही है ना, तो यदि इन गाड़ियों की लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर है, इसकी लंबाई तो 100 मीटर हो गई और इसकी हो गई 200 मीटर है ना, इसकी 100 इसकी 200 यानी कि ये जो है ये गाड़ी जो है ये 300 मीटर को 2 मिनट में पार करती है, 300 मीटर को 2 मिनट में पार करती है, तो बी की चाल कितनी, अब देखो दूरी लंबाई तो इनकी जुड़ जाएगी लेकिन इनकी जो चाल है इसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 120 × 5/18 है ना, तो इसको काटेंगे 6 से 3 बार, उसको 6 से काटेंगे 20 बार, 100/3 मीटर/सेकंड है ना, 100/3 मीटर/सेकंड, तो ये 100/3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 3 जाएगा और बराबर 2 मिनट है, 2 मिनट है तो 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड में पार करती है, दोनों 100 किलोमीटर/घंटा माइनस करेंगे, सॉरी 100/3 माइनस इसकी चाल हमने मान ली x मीटर/सेकंड, इसकी चाल कितनी मान ली हमने x मीटर/सेकंड मान ली, तो ये x हो गया है ना, चाल कम हुई तो इधर ये 3x हुआ, 100 - 3x और इनटू ये 3 चला गया,
ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, जीरो से तो जीरो काट दो और तीन से ये चार बार काट दो, और कुछ कट रहा है जो कटेगा, बहुत सारी चीज कटेगी। यहां से ये दो से दो बार कटेगा, दो से पंद्रह बार कटेगा, ठीक है। पंद्रह बराबर दो का कितना है, 200 हो गया, माइनस का 600 हो गया, ठीक है। माइनस का 600, 6 से इधर आ गया, ये उधर जाएगा, तो 600 बराबर 180, 200 माइनस का 15 बराबर 185, 185 में 6 का भाग देंगे, तो हमने एक इसकी चाल जो मानी थी वो कितनी आ जाएगी, इसकी चाल तो कुछ अच्छा किलोमीटर प्रति सेकंड में, बिल्कुल। यहां से हम क्या करेंगे, 18/5 का गुणा भी करेंगे इसमें, 18/5 का गुणा भी तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारी चाल, इसको हमें क्या करना है, किलोमीटर पर घंटे में लाना है ना। तो यहां से ये 6 से 3 बार कटा, ये 5 से कटेगा कितनी बार, 5 15 3 35, 5 7 35 और 37 से कितना होगा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई अभी यहां पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इसकी चाल तो बहुत कम आ रही है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब वैसे मैंने बिल्कुल तुरंत ध्यान रखा कि यहां पर आपको मीटर पर सेकंड में आपने माना था तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर जो आपकी यूनिट है ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर और ये भी सेकंड में, तो यूनिट जो है यूनिट के हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी जो दूसरी गाड़ी बी है ना। देखो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो भाई आप अगर लाइक नहीं करते हो तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ, हालांकि देखो आपके लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो लाइक कर ही दिया करो, क्या दिक्कत आ रही है ना। जब वीडियो देखते हो भाई लाइक तो कर ही सकते हो, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो, मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 चलकर 5 बजे गाजियाबाद, देखो मेरठ गाजियाबाद है ना, ठीक है, 4 बजे चलती है तो 5 बजे यहां पर पहुंच जाती है ना। और दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, ये यहां से 4 बजे चलती है और यहां पर 5:30 बजे पहुंच जाती है, है ना। तो अब देख लो भाई, इसको इतनी दूरी तय करने में इसको 1 घंटा लगा, जो भी दूरी है भाई, जो भी दूरी है उसको पार करने में 1 घंटा लग रहा है, और इसको 90 मिनट लग रहे, 90 मिनट लग रहे, इसको लग रहे हैं 60 मिनट, इसको लग रहा है 60 मिनट, इसको 90 मिनट लग रहे हैं। तो हमें यहां पर ये क्या निकालना है कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, भाई कितने बजे मिलेगी, यानी कंफर्म है कि कम से कम 4:30 की तो बाद ही मिलेगी, इसको 1.5 घंटा लग रहा है, यानी कि ये 1 मिनट में, ये एक मिनट में मान लो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, हमने टोटल दूरी मान ली 90 किलोमीटर। देखना है यहां पर बहुत ही सिंपल सवाल है, और ये जो है 60 मिनट में, ये 1 मिनट में कितना चलता है, ये चलता है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ये 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलता है, इनको दूरी तय करनी दोनों को 90 90 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा मान लेंगे, 1 घंटा नहीं 1 घंटे से कम मानना पड़ेगा, तो 1 घंटे पूरे कर देता हम मानेंगे आधा घंटा, भाई आधा घंटा में ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, है ना, 45 मिनट में, 30 मिनट में ये कितना चलेगा, ये चलेगा 45 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर चलेगा 30 मिनट में, और ये सामने वाला 30 मिनट में 30 किलोमीटर चलेगा, है ना, कितने हुए 45 और 30 कितने हुए, 40 3 70 और 5 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर हो गए, है ना। अब कितने बचे, 15 किलोमीटर बचे भाई, 15 किलोमीटर बचे हैं, और 15 किलोमीटर में से ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, और ये क्या करता है, ये 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 को 6 और 9 में डिवाइड कर देंगे, देखो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें उलझाट है ना, इसमें क्या उलझा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स मानो वाई मानो, देखो यहाँ दिमाग से आप लगा लो कि आप ऐसे ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 किलोमीटर चला, ये 6 किलोमीटर चला, ये 6 मिनट में, 6 मिनट में ये 6 किलोमीटर चला, ये 9 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चल लिए ना। तो ये बाकी के बच्चे 15 किलोमीटर इन्होंने 6 मिनट में पूरे कर दिए, तो भाई 30 मिनट तो ये, और 6 मिनट कितने हुए, 36 मिनट, यानी कि ये 4:36 पर दोनों मिलेंगे,
समझ गए। 4:36 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएगी। इसके अलावा देखो, इसको अलावा आप चाहे तो इसको एक्स वाई मानकर कर सकते हैं, वो कर लेना आप, है ना। मुझे ये बेस्ट तरीका लगा। और जो ट्रेन के सवाल है इनमें आप डायग्राम बनाकर जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो सवाल होते हैं, अच्छे तरीके से आप कहीं भी नहीं कर पाओगे, कैसे भी तरीके से नहीं कर पाओगे, मैं बिल्कुल आपको कंफर्मली बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में, भाई दो रेलगाड़ी है हमने मान लिया, एक ए हो गई एक बी हो गई, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, एक जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया है। इसके बाद बोला है, समांतर पटरियों पर जा रही है तेज रफ्तार वाली गाड़ी, धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करते, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी। देखो ये वाली जो गाड़ी है, यहाँ एक ये गाड़ी ही हो गई है ना, और ये गाड़ी जो है ये भी यहीं से चल रही है ना, या फिर यहां से चल रही है, मान सकते हैं यहां से चल रही है, दोनों पैरेलल जा रही है, ठीक है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमे रफ्तार वाली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, है ना। इसको पूरी को पार नहीं करना, एक जगह एक आदमी बैठा हुआ, ये आदमी बैठा हुआ है, इसको पार करना है, ठीक है। हमें इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इसकी लंबाई से मतलब है, इसकी लंबाई हमने एक्स मीटर मान ली, ठीक है। पार करती है, ये बोल दिया है पार करती है, कितनी सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये भी जा रही है। तब इसको कहते थे भाई तू रुक, इसको जान दे यार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। तो इसने एडजस्टमेंट किया कि भाई फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड जो है इसकी स्पीड कर दो 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर से ये जा रही है, 40 की से ये जा रही है, तो 60 माइनस 40 तो हो गई होगा ना, 60 माइनस 40 तो होगा, तो क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब हमारा क्वेश्चन, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक खंबे को ये वाली ट्रेन 18 सेकंड पार करती, तो इसकी लंबाई कितनी। 20 किलोमीटर को हम बदल लेंगे 5/18 करके, 10 बार कटा ये कटा 9 बार 2 से 10 50 बटे 9 मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी, और एक्स बटे इस स्पीड से ये 18 सेकंड में पार करती, 9 ऊपर जाएगा, ठीक है, 9 ऊपर गया तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, और एक्स बराबर 50 100 मीटर जो है इस ट्रेन की लंबाई, ठीक। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजे आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, और ये तो लास्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। वो कब बढ़ेंगे भाई, कल बढ़ेंगे, है ना। आप सभी भाई क्वेश्चन जरूर करना, प्रैक्टिस करना, है ना, क्योंकि देखो मैं तो मेरी स्पीड से चल रहा हूँ। आप भर्ती के भरोसे मत बैठो भाई, पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही, पटवारी नहीं आ रही, एसएससी नहीं आ रही, रेलवे नहीं आ रही, आएगी कहाँ, नहीं आएंगे वैकेंसी, वैकेंसी कहाँ नहीं आ भाई, 1 महीने 2 महीने बाद आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है इस कारण से नहीं आ रही, बस बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन अपनी तैयारी रखो भाई, कछुआ चाल चलो चलो, लेकिन है ना खड़े मत रहो, चलती हुई रेलगाड़ी, देखो ये रेलगाड़ी भी चल रही तो तुम तो चल ही सकते हो ना, चलती हुई रेलगाड़ी बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। भाई 1 मिनट में कितने खंभे गिनता है, वो 21 खंभे गिनता है, ठीक है। तो ये बोल रहे कि यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, 50 मीटर है 2 खंभों के बीच की दूरी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। भाई 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में वो गिनता है 21 खंभे, है ना। तो देखना, एक खंभा ये एक खंभा, और ये है 21वां खंभा, ये 21वां खंभा, ये पहला खंभा, पहला उसने देख लिया, पहले से तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, पहले से गाड़ी स्टार्ट हुई है और यहां तक गाड़ी पहुंची है ना। तो यहां तक जो दूरी है वो 21 × 50 नहीं होगी, ये आपको बिल्कुल याद रखना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि भाई 21 × 50 नहीं होगी, यहाँ पर 20 × 50 होगी मीटर, यानी कि 20 × 100 यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर ये दिख नहीं हो रहा हो तो यहाँ लिख देंगे, 1000 मीटर जो है वो पार करती कितनी देर में, 60 सेकंड में। तो गाड़ी की लंबाई यहां से हम निकाल सकते, यहां से गाड़ी की लंबाई हम आराम से निकाल सकते, देख लो 1000 मीटर दूरी को 60 सेकंड में पार करती है, 1000 मीटर दूरी को 60 सेकंड में पार करती है, तो यहां से उसकी क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी, है ना, चाल निकल आएगी। तो 0 से 0 कट गया, और ये 6 से कटेगा कितनी बार,
छह से घटेगा ये छह एकम छ और चार चालीस, ये तो पूरी पूरी बात नहीं घटेगा, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे इसकी चाल को, तो 18/5 ये क्या मीटर पर सेकेंड है अभी, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 200 बार है ना, और ये 6 से इसकी जीरो कट गई, 6 × 18 और 20 से कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल ही पूछी गई है, रेलगाड़ी की चाल ही पूछी गई है हमसे, तो क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड। ठीक, आप यहां पर चाहे तो देखो ये एक मिनट में 1000 मीटर चली, 1000 मीटर चली, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली, हमें रफ्तार निकालनी है घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 60 किलोमीटर। या ये कैलकुलेशन भी करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखो खंभों का सिस्टम ही बिल्कुल आपको याद रखना है, जैसे वो नहीं रहता रो वाला, ये खेत है, इसकी एक उस पर 50 पेड़ लगे हुए, प्रत्येक पेड़ की दूरी 20 मीटर है, तो ये ऐसे ऐसे करके पेड़ लगे हैं, तो ये टोटल 50 पेड़ है, लेकिन गुणा होगा उन 50 में, पूरी लंबाई जो है उन 50 में गुणा होगी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं भाई, जितने भी रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन कराए चैप्टर के, समझ में आ गए होंगे। पुराने चैप्टर आप चाहे तो देख सकते हैं, परसेंटेज लाभ हानि नंबर सिस्टम भिन्न दशमलव भिन्न सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, वो जाकर देखना, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़े तो ये वाले चैप्टर आपको दिक्कत आएगी। अभी अगर आपको दिक्कत नहीं आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आई तो आपकी परसेंटेज अनुपात समानुपात थोड़ा वीक है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करो। आपने 10 या 12 चैप्टर तक अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आगे के चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वो चैप्टर पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाकर जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।